20 जुलाई 2018 और 20 जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा कर दी, तो आप देखिए ये है 100 रुपए का नया नोट, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है 100 रुपए का नया नोट। और जब भी कोई नया नोट जारी हो सबसे पहले आपको उसका कलर और उसकी डायमेंशन याद कर लेनी है, क्योंकि कलर और डायमेंशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो 100 रुपए का नया नोट आ रहा है इसका कलर है बैंगनी और इसकी डायमेंशन है 66 × 142 mm। डायमेंशन यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको याद कर लेनी है, इसकी लंबाई है 142 mm और इसकी चौड़ाई है 66 mm। तो ये तो दो बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने ही है, इसके अलावा भी कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये इस नोट का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसमें जो 100 लिखा हुआ है वो देवनागरी में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन गांधी जी की इमेज से बन सकता है, इसमें गांधी जी की इमेज मिडिल में पहुंच गई है। पहले क्या था, जो भी नोट आते थे उसमें गांधी जी की इमेज साइड में हुआ करती थी, लेकिन अब जो नई सीरीज के नोट आ रहे हैं सब में गांधी जी की इमेज मिडिल में है। और तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें जो अशोक स्तंभ है वो किधर की साइड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सबसे ज्यादा गलत होता है। अशोक स्तंभ इसमें राइट हैंड साइड में, जो आपको नीचे छोटा सा दिख रहा है अशोक स्तंभ ये इसमें राइट हैंड साइड में है, ये आपको याद रखना है। और चौथा क्वेश्चन इसके सिक्योरिटी थ्रेड से बनेगा। सिक्योरिटी थ्रेड वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आपने देखा होगा सिक्योरिटी थ्रेड पे आरबीआई भारत और इंडिया छोटे छोटे में लिखा होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप सिक्योरिटी थ्रेड को मोड़ते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है। जनरली सिक्योरिटी थ्रेड का रंग होता है ग्रीन, लेकिन जब आप नोट को थोड़ा सा मोड़ेंगे तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। ये आप याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फ्रंट साइड से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो इस नोट का बैक साइड, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये है इस नोट का बैक साइड। बैक साइड में ये जो आपको इमेज बनी दिखाई दे रही है ये 100% आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जब 50 का नोट आया था तो उस पर हम्पी के रथ की इमेज बनी हुई थी, और नोट आने के एक महीने बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 50 रुपए के नए नोट पर किसकी तस्वीर बनी है, तो हम्पी के रथ की तस्वीर बनी थी। अब ये 100 रुपए का नया नोट आया है, इस पर बीबी के माओ की तस्वीर बनी है। अब ये बीबी का माओ क्या है आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, तो ये गुजरात के पाटण जिले का एक सीढ़ीदार कुआं है। कुआं आपने देखे होंगे, तो गुजरात के पाटण जिले का एक सीढ़ीदार कुआं है। 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। अब ये नोट पर भी आ गया है तो 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे आने टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये आप याद रखना, ये है बीबी का माओ। इसमें जो आपको स्वच्छ भारत का लोगो बना दिख रहा है ये भी इस नोट पर किस साइड बना हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर बना हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी बना है और नारा भी लिखा है, नारा क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। और नोट को जारी करने का सन भी इसमें लिखा हुआ है बैक साइड में। बैक साइड में क्या लिखा है, नोट को जारी करने का सन। तो इस नोट से इतने क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। अब ये घोषणा की है आरबीआई ने। अब आरबीआई ने घोषणा की है तो आरबीआई के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, उर्जित आर पटेल। और जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना होता है एग्जामिनर को तो वो पूछ लेता है कि उर्जित आर पटेल कौन से नंबर के गवर्नर है, तो 24वें नंबर के गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 19,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक जरूर किया करो। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने आरएपीसी पर किन राष्ट्रों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी है। तो ये कैबिनेट ने ब्रिक्स के साथ मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया है आरएपीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल एविएशन पार्टनरशिप कोऑपरेशन। अब ये समझौता ज्ञापन है ब्रिक्स के साथ, तो ब्रिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई उस टाइम साउथ अफ्रीका इसके साथ नहीं जुड़ा था। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और सबसे ज्यादा गलत होता है। स्टूडेंट 2006 पे टिक कर देते हैं क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। क्या साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई, ये बिल्कुल क्लियर आप याद कर लीजिए। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की है कि ऑप्शन से भी आपको कुछ जानकारी मिल जाए। एक ऑप्शन लिखा है सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, और सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि स्थापना कहाँ हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, सार्क की स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, लेकिन सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब एक ऑप्शन ये लिखा है आसियान, आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली वार्ता के 10वें संस्करण की शुरुआत किसने की है। तो अभी हाल ही में दिल्ली वार्ता के 10वें संस्करण की शुरुआत की है हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये दिल्ली वार्ता क्या है, तो आसियान कंट्रीज की एक वार्ता हो रही है दिल्ली में, इसका नाम रखा गया है दिल्ली वार्ता, और इसकी शुरुआत की हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। अच्छा, यहाँ पे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम आया है तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दुनिया में जितनी भी फीमेल पॉलिटिशियन हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्विटर पर फॉलो की जाने वाली सुषमा स्वराज है, ये आप याद रखना, सुषमा स्वराज का नाम आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने 2022 बीजिंग शीतकालीन खेलों में कितने नए पदक कार्यक्रमों को जोड़ा है। तो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 7 नए पदक कार्यक्रमों को जोड़ दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जो 3 ओलंपिक होने हैं और वो कहाँ कहाँ होने हैं वो आपको याद रखिए, 2020 का ओलंपिक होना है टोक्यो में, 2022 का ओलंपिक होना है चाइना की राजधानी बीजिंग में, और 2024 का ओलंपिक होना है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये तीनों का कार्यक्रम जारी हो चुका है, तीनों को आपको याद रखना है, 20 का कहाँ पे है जापान की राजधानी टोक्यो में, 22 का कहाँ है चाइना की राजधानी बीजिंग में, और 24 का कहाँ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इनमें 7 नए पदक कार्यक्रमों को जोड़ दिया है आईओसी ने। तो आईओसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पे, लुसाने, स्पेलिंग में बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हो, LAUSANE लुसाने, और लुसाने कहाँ पे है, यह है स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय साक्षरता पर किसानों को शिक्षित करने के लिए किस बैंक ने किसान मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है SBI ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये निर्णय SBI ने लिया है तो SBI के बारे में आपको बता देता हूँ, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SBI से पूछा जाता है कि SBI के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 PSB में 11,336 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है वित्त मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वित्त मंत्रालय का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री कौन है। प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, पहले वित्त मंत्री कौन थे अरुण जेटली, लेकिन उनकी तबीयत खराब है इसीलिए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है पीयूष गोयल जी के पास। अब यहाँ पे मैंने जो पीएसबी को सर्कल किया हो इसके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पीएसबी की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। हाल ही में 5 PSB में 11,336 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है वित्त मंत्रालय ने। अच्छा, ये 5 PSB कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये 5ों बैंक के नाम भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, किस बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का
डी ऑप्शन सही है। अब ये उद्घाटन जम्मू कश्मीर बैंक ने किया है, तो जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1938 में, इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं परवेज अहमद। कौन है? परवेज अहमद। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वाणिज्यिक संचालन का मतलब क्या होता है? तो वाणिज्यिक संचालन का मतलब है कॉरपोरेशन संचालन, कॉरपोरेट बैंक की तरह काम करेगा आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं अजय कमल। कौन है? अजय कमल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में किस सर्च इंजन पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है? तो यूरोपीय यूनियन ने अभी गूगल पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जुर्माना लगाया क्यों है? गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें उसने कुछ ऑटो ऐप अपलोड कर दी थी, इसी वजह से यूरोपीय यूनियन ने ये $5 बिलियन का जुर्माना लगा दिया है गूगल पर। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्री हैं, तो आप याद रखिए 28 कंट्री हैं, लेकिन अभी ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। मैंने आपको बताया था ब्रेक्सिट के बारे में, ब्री फॉर ब्रिटेन, और एक्सिट मतलब एग्जिट मतलब बाहर होना, तो ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। तो आप याद रखिए यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्री हैं, टोटल 28 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये स्वीकृति प्रदान की है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब ये मेडिकल कॉलेज बनेगा यूपी के देवरिया जिले में, तो यूपी के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है यूपी, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं राम नायक। अब उत्तर प्रदेश से और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है तुर्की ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तुर्की को हिंदी में तुर्की लिखा जाता है और इंग्लिश में टर्की लिखा जाता है। तो टर्की ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा टर्की ने की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है टर्की, टर्की की कैपिटल है अंकारा, टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा, और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है तैयब एर्डोगन। स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, TAYYIP तैयब EDROGAN तैयब एर्डोगन, ये है टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे आपातकाल की बात आई है तो मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और तीनों आपको याद होने चाहिए। इंडिया में कितने प्रकार का आपातकाल है? इंडिया में 3 प्रकार का आपातकाल है, 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 क्या है? जो राज्य में आपातकाल लगता है वो है। और अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं अपने इंडिया में, तीनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के किस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने को उनका अधिकार बताया है? तो ये दक्षिण भारत का एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत में है कहाँ पे? तो ये है केरल में, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है सबरीमाला मंदिर, और इसमें महिलाओं को प्रवेश और पूजा उनका हक बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये केरल में है तो आप मैप में देखिए, ये है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं पी सदाशिव। इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। यूके क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पौधागिरी अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप डिटेल में लिखा करो, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना पता है उतना आप लिख दिया करो, अगर आप लिख दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। सबसे पहला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही नया 100 रुपए का नोट छापने की घोषणा करी है, इस पर भारत की कौन सी ऐतिहासिक स्मारक का चित्र होगा? नोट के दो हिस्से होते हैं, एक सामने वाला एक पिछले वाला। इस पे जो फोटो होगा वो होगा रानी की वाव का। रानी की वाव है गुजरात में। ये एक स्टेपवेल है, जैसे एक बावड़ी की तरह का होता है नहाने के लिए, तो उस तरह बना हुआ है रानी की वाव, गुजरात में है, इसका फोटो होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मिलकर या किस देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय विमानन भागीदारी सहयोग यानी रीजनल एविएशन पार्टनरशिप कॉरपोरेशन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ये देशों का समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, चीन के हैं शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो हैं मोदी जी, रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के हैं मिशेल टमेर। तो ये है ब्रिक्स, और ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में। इसके अध्यक्ष हैं बैंक के केवी कामत। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं सुरेश प्रभु। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का प्रतिशत है सबसे ज्यादा 78%। आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, देखते हैं कमेंट्स में लिख के कौन बताता है। पहले ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी बैरोन पियरे डे कोबल्टिन नाम के व्यक्ति ने, और आधुनिक ओलंपिक सबसे पहली बार खेले गए थे एथेंस में। एथेंस में ही खेले गए थे दोबारा 2004 में भी, जिसमें हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था शूटिंग में। एथेंस ग्रीस की यानी यूनान की राजधानी है। 1896 में हुए थे। शनि ग्रह पर कौन सी गैस मौजूद है? सैटर्न शनि ग्रह, जिसको पढ़ने के लिए नासा ने अपना एक कसीनी नाम का मिशन शुरू किया था। याद रखिए, नासा का कसीनी मिशन शनि ग्रह के लिए था, और एक था जूनो। जूनो था बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के लिए। तो शनि पर होती है हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा जो तारा है सबसे बड़ा सौरमंडल का, जिसे सूरज बोलते हैं, सूर्य, उस पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, और हाइड्रोजन जो है वो तब्दील होती है हीलियम में। इसको हम नाभिकीय विलयन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मामले के लिए अंतिम अधिकार अदालतों की बजाय जिला मजिस्ट्रेट को देने की मंजूरी दी है? ये अधिकार है गोद लेने के मामले के अधिकार। और आपको बता दूं, ये तो अंतरदेशीय की बात हुई है, लेकिन अगर मैं अंतरराष्ट्रीय गोद लेने के मामलों की बात करूं तो अवैध रूप से जो एडॉप्शन है यानी गोद लेने के मामले ना हो, इसीलिए जो सारे देश हैं वो फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं हाग सम्मेलन, हाग कन्वेंशन के कानून, HAGUE। हाग नाम की जगह है नेदरलैंड में, और यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी है। तो हाग कन्वेंशन किस लिए फॉलो होता है? अंतरराष्ट्रीय गोद लेने के मामलों के लिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि हमारा भारत का शिक्षा नियामक है, जो एजुकेशन रेगुलेटर है, इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनिल सहस्त्रबुद्धे। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के किस जिले में लीगो इंडिया लेबोरेटरी, लीगो की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसकी विस्तारित जो फॉर्म है वो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी, जो हमारी गुरुत्वाकर्षण जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनको स्टडी करने के लिए है, और दुनिया में ये सिर्फ तीसरी ऐसी प्रयोगशाला होगी। इससे पहले जो दो प्रयोगशालाएं हैं दोनों अमेरिका में हैं, तो अमेरिका के बाहर पहली और दुनिया की तीसरी ये प्रयोगशाला होगी, ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल बैठक हुई, उसमें भारत कौन से देश के साथ सहयोग करेगा जो हमारी पारंपरिक औषधिक व्यवस्था है और होम्योपैथी, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है और होम्योपैथी, इसमें इसके लिए पूर्वव्यापी मंजूरी हो गई है। यह देश है क्यूबा। क्यूबा को पहले शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते थे, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। क्यूबा की राजधानी है हवाना, और यहां के राष्ट्रपति हैं मिगुअल डीएज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां की मुद्रा है पीसो, और राष्ट्रपति हैं मिगुअल डीएज, नए राष्ट्रपति हैं ये मिगुअल डीएज, और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति क्यूबा में जन्म ले चुके हैं, जैसे फिडल कैस्ट्रो, राहुल कैस्ट्रो इत्यादि। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और किस देश के बीच में एक वित्त तथा लेखा परीक्षण ज्ञान आधार को मजबूत बनाने में एक साथ काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर सरकार ने मंजूरी दी है? तो ICAI
जो बहरीन देश है इसके इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ एक आपस में सहयोग करेगा। बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा और बहरीन की मुद्रा है बहरीनी दिनार। दिनार ही मुद्रा चलती है इराक में, पर वो इराकी दिनार है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन महान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर कारागारों में जो कैदी हैं उन्हें विशेष माफी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये महान व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। इनकी जो 150वीं वर्षगांठ होगी वो होगी 2 अक्टूबर 2019 को। तो जो माफी दी जाएगी वो इस साल यानी 2 अक्टूबर 2018 को दी जाएगी, फिर दी जाएगी 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2019, क्योंकि 10 अप्रैल को चंपारण जो सत्याग्रह था उसकी वर्षगांठ होती है। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण बिहार में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने किन राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, गोमुख बोलते हैं उसे, जो गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री हिमनद से निकलती है और फिर वो उत्तर प्रदेश आती है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले बिजनौर में घुसती है और निकलती है बलिया से। गंगा का जो सबसे बड़ा जो कोर्स है वो उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज्यादा जो किलोमीटर में गंगा है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आपको बता दूं गंगा झारखंड को भी छूती है। झारखंड में सिर्फ एक जिला है जिसको गंगा छूती है, उसको बोलते हैं साहेबगंज जिला। और ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हमारा जो गंगा सफाई के लिए मंत्रालय है उसके मंत्री है नितिन गडकरी। पिच ब्लैक नाम का एक युद्ध अभ्यास, इसमें भारत की वायुसेना पहली बार हिस्सा ले रही है। पिच ब्लैक, ये पिच ब्लैक जो है ये युद्ध अभ्यास कौन से देश में इस बार आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम यानी संवैधानिक अधिकार है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। शबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? ये पथानमथिट्टा नाम के जिले में है जो कि केरल में है। केरल में एक मंदिर और बहुत याद रखना है आपको, बहुत मशहूर है, और वो है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। बहुत आता है एग्जाम में पद्मनाभा स्वामी मंदिर, और यह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहां पे वामपंथियों की सरकार है, सीपीआईएम की सरकार है। द हाउस ऑफ इस्लाम द ग्लोबल हिस्ट्री किताब का अभी अभी विमोचन हुआ, ये किसने लिखी है? इस्लाम का घर, द हाउस ऑफ इस्लाम को लिखा है एड हुसैन ने, एड हुसैन। एशियाई विकास बैंक जिसे हम एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2019 के लिए कितनी प्रतिशत ग्रोथ अनुमानित करी है? इनके हिसाब से 2018-19 में हमारी ग्रोथ होगी 7.3% और वित्तीय वर्ष 2020 यानी 2019-20 में होगी 7.6%। राजमाता सतशीला देवी भोसले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये निम्नलिखित संगठनों से संबंधित थी। ये महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी केंद्र संस्थान से संबंधित थी, राजमाता थी। ये जो सावंतवाड़ी क्षेत्र है उसके जो आखिरी राजा है उनकी पत्नी थी। चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, अभी अभी जोधपुर की राजमाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? राजस्थान में जो जोधपुर की राजमाता है उनका निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? कमेंट्स में लिख के बताइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है? उत्तर प्रदेश के देवरिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज, और देवरिया में एक एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा, उसका विस्तार भी किया जाएगा। ये कैबिनेट बैठक में, मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी केंद्रीय, उसमें ये डिसीजन लिया गया। इसके अलावा जो झारखंड का देवगढ़ है, झारखंड में, देवरिया को देवगढ़ से कंफ्यूज नहीं करना है, देवगढ़ है झारखंड में, देवगढ़ में एम्स बन रहा है, तो उसके लिए जो फंड्स हैं वो भी मंजूर हो गए हैं, एम्स बन रहा है देवगढ़ में। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस कंपनी पर, किस सर्च इंजन पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाने की घोषणा करी है? यह बहुत ज्यादा पैसा होता है, $1 बिलियन लगभग 7,000 करोड़ होता है, तो $7 बिलियन, $7 अरब, $5 अरब होता है 35,000 करोड़, तो 35,000 करोड़ का जुर्माना लगेगा गूगल पे। गूगल अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इस कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आपको बता दूं एक और कंपनी है जिसपे बहुत बड़ा जुर्माना लगा है, और वो है जॉनसन एंड जॉनसन। इस कंपनी का जो पाउडर आता है लगाने वाला, टेलकम पाउडर, उससे कैंसर हो सकता था, इसीलिए इस पर भी बहुत भारी जुर्माना लगा है। हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा करी? इमरजेंसी लग रही थी इस देश में 2 साल से, वो हटाए जाने की घोषणा करी है तुर्की ने। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप अर्डोगान, और यहां की राजधानी है अंकारा।
इसके अलावा अभी जो पेरू है उसने भी आपात लगाया है कोलंबिया बॉर्डर पर। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2017 के बीच भारत देश में रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर से कितने लोगों की मृत्यु हुई? ये मृत्यु हुई 3 साल में लगभग 49,790 लोगों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है कि 3 साल में 49,000 लगभग 50,000 लोग ट्रेनों की टक्कर से रेल पटरियों पर मारे गए। राज्यसभा के पूर्व सांसद का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है? पिछले साल भी सांसद थे नाना पटोले, उन्होंने इस्तीफा दिया था महाराष्ट्र में, और अभी अभी इस्तीफा दिया है पश्चिम बंगाल के चंदन मित्रा ने, और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं ये अब तृणमूल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। एप्पल कंपनी के बाद 900 अरब डॉलर मूल्यांकन वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी? ये कंपनी है अमेजन। अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, ये आधुनिक इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अमीर आदमी आके गए हैं। इनकी संपत्ति है 150 अरब डॉलर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको पहले बोलते थे जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने हाल ही में अपने बैंकिंग सर्विसेज शुरू करी है, बैंकिंग परिचालन की शुरुआत करी है। इस बैंक का मुख्यालय कहां है? इस बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है? यूनिवर्सिटीज एक्ट में मंजूरी दी है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हॉकी पुरुषों के विश्व कप 2018 के लिए आधिकारिक भागीदार यानी ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है, कौन सी कंपनी बनी है? हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा, और इसके लिए जो ऑफिशियल पार्टनर है वो है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। एक 13 वर्ष का बच्चा है जिसने कंपनी शुरू करी है जिसका नाम है पेपर्स एंड पार्सल्स, ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आपको बताना है इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है तिलक मेहता, तिलक।